पांच जुगाड़ू बहू का कपड़े का घर और रसोई। साक्षी, तनीषा, मालती सुशीला काकी के कपड़े सिल गए हैं, उन्हें दे आओ। मैं तब तक प्रियंका और पूनम के साथ खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी सबसे बड़ी जेठानी उर्मिला की बात सुनकर साक्षी तनीषा सिले हुए कपड़ों को ले जा रही होती हैं कि तभी मालती सुशीला खुद ही अपने कपड़े लेने के लिए उनके घर आती हैं। अरे उर्मिला, हमारे कपड़े सिले या नहीं, कल हमें शादी में पहन कर जाने हैं। अरे काकी, सिल गए हैं, वही तो देने के लिए आ रही थी, ये लीजिए। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम पांचों के हाथों में तो सिलाई का जादू है, और जादू पूरे गाँव में तुम पांचों से अच्छी सिलाई कोई कर ही नहीं सकता। ये लो तुम्हारे सिलाई के पैसे। आप दोनों खड़ी क्यों हैं, बैठिए। जाओ उर्मिला बहू, इनके लिए चाय बना लाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो आपके घर में आने से भी डर लगता है। बुरा मत मानना जयंती, पर लेकिन आपका घर किसी पुरानी गुफा से कम नहीं है। जब देखो कहीं ना कहीं से मिट्टी ही गिरती रहती है। और नहीं तो क्या, आखिरकार कब तक आप लोग इस घर में रहेंगे? मैं तो कह रही हूँ उधार लेकर ही अपना घर बनवा लो, क्या पता कब आपका घर मिट्टी की तरह से ढह जाए। इतना कहकर सुशीला और मालती वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की बातें सुन पांचों बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। अब तो आसपास के लोग भी हमारे इस घर का मजाक उड़ाने लग गए हैं। माँ जी, हमें अपने घर की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। पर कैसे? मरम्मत करवाने के लिए आराम से 1-2 लाख रुपए लगेंगे, और क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? तुम पांचों सिलाई करके मुश्किल से 500-600 रुपए ही कमा पाती हो, और तुम पांचों के पति कबाड़ी का सामान इकट्ठा करके दिन का 100-200 रुपए। इतने कम पैसों में घर की मरम्मत तो दूर, एक टीन की छत भी नहीं डलेगी। अपने घर की हालातों से वाकिफ पांचों बहुएं अपनी सास से ज्यादा कुछ नहीं कहती और वापस अपने घर के कामों में लग जाती हैं। आज बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, हम तब तक खाना लगाते हैं। उर्मिला साक्षी जैसे ही चूल्हे के पास खाने के लिए जाती हैं, तो देखती हैं कि उनके खाने के बर्तन के पास 2 कौवे बैठकर उनके बनाए हुए खाने को खा रहे हैं। हे भगवान, हमारे घर में ये कौवे कैसे आ गए, चलो भागो यहाँ से। साक्षी के भगाने पर वो दोनों कौवे चूल्हे के पास बनी दीवार के छेद में से उड़कर बाहर चले जाते हैं। वैसे ही घर में राशन नहीं था, इतनी मुश्किल से खाना बनाया था, और इन कौओं ने भी खाना खराब कर दिया। दीदी, इसमें कौवे की भी क्या गलती है? गलती तो हमारे इस घर की और रसोई की ऐसी हालत की है, जहाँ हर जगह दीवार और छत में छेद हो रही है। आज तो बस एक कौवे ही आए थे, कल कुछ जानवर पक्षी भी आ सकते हैं। कौवे के खाना झूठा करने की वजह से सभी लोग उस रात खाली पेट ही सो जाते हैं, लेकिन सोना भी इस गरीब परिवार की किस्मत में नहीं था। थोड़ी देर में तेज आंधी हवाएं चलने लगती हैं, और छत और दीवारों के छेद से मिट्टी और बारिश भी आने लगती है। हे भगवान, खाना तो हमारे नसीब में ही नहीं था, कम से कम 2 पल की चैन की नींद तो नसीब होने देता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस घर में रहने से अच्छा कि हम लोग सड़क पर तिरपाल लगा ले, 2 पल की चैन की नींद तो सो सकेंगे। जहां आसपास के घरों में लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, वहीं ये पूरा परिवार आधी रात में उठकर घर की दीवारों और छत से मिट्टी और पानी को आने से रोक रहे होता है। आए दिन और हर मौसम में इस परिवार को इस टूटे हुए घर और रसोई की वजह से ऐसे ही मुसीबत का सामना करना पड़ता था। दिन में तीसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन ये कतरन है कि हर जगह से निकली जा रही है। घर में वैसे भी सिलाई से ढेर सारी कतरनें जमा हो गई हैं। एक काम करते हैं, शाम को इस बोरी में इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकाएंगे। पांचों बहुएं मिलकर सारे कतरनों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बोरे में भर लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कतरन को फेंकने के लिए बाहर जाती हैं, तो बाहर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मेरे ख्याल से हमें कल ही जाना चाहिए, वरना अगर रास्ते में कहीं पानी जमा मिल गया तो हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पांचों बहू कतरनों से भरी बोरी को घर के कोने में रख देती है। अगले दिन होते ही वो जैसे बोरी को फेंकने के लिए जाती हैं, तो उनके पड़ोस में रहने वाली माधवी नाम की एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है। लगता है तुम लोग कहीं जा रही हो। हाँ काकी, इन कतरनों को फेंकने जा रही थी, आपको कुछ काम था क्या? हाँ बिटिया, वो परसों जो आंधी आई थी ना, जिसकी वजह से हमारी पुरानी वाली झोपड़ी टूट गई थी, तो हमने एक नई झोपड़ी बनाई है, लेकिन अभी तक दहलीज और खिड़कियों के दरवाजे तैयार नहीं हो पाए, इसलिए मैं तुम पांचों के पास ये कपड़ा लेकर आई थी। इस कपड़े से तुम पांचों 3-4 पर्दे बना दो, जब तक घर पर दरवाजा बंद नहीं होगा तब तक हम लोग उसमें कैसे रहेंगे। आप फिक्र मत कहिए, हम ये कतरने फेंक कर शाम तक आपके घर के पर्दे तैयार कर देंगे। पांचों बहुएं कतरनों की बोरी को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक कर घर आ जाती हैं। उस औरत के दिए हुए बड़े से कपड़े से पर्दे बनाने लगती हैं।
ये दरवाजे पर लगाने वाला पर्दा तो तैयार हो गया, एक बार इसी दरवाजे से माप लेती हूँ कहीं छोटा ना पड़ जाए। प्रियंका उस पर्दे को लेकर अपने घर के दरवाजे से नाप रही होती है, जिसे नापते नापते प्रियंका वहीं खड़े होकर कुछ सोचने लगती है और अचानक दौड़ती हुई बाकी बहुएं के पास आती है, जिसे देख उर्मिला, क्या हुआ प्रियंका, तुम ऐसी दौड़ती हुई क्यों आई? मुझे पता चल गया है कि अब हम कैसे अपने इस टूटे फूटे घर की मरम्मत कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के। इस घर को सुंदर से घर में बदल सकते हैं। वो कैसे? हमारे घर की दीवारों और छत में जहाँ जहाँ छेद हो रहे हैं, हम उन्हें चिकनी मिट्टी से भर कर देंगे और उसके सूखने के बाद हम लोग रंग बिरंगे कपड़ों को सिलकर आपस में जोड़ लेंगे और उससे अपने घर की छत, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों को अच्छे से ढक देंगे, जिससे हमारे घर की मरम्मत भी हो जाएगी और हमारा घर काफी सुंदर भी लगेगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम कपड़ों का घर बनाएंगे? हाँ, और वैसे भी अब तो बारिश का मौसम भी खत्म हो चुका है, कुछ समय में ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा। हमारे पास इतने तो पैसे हैं ही नहीं कि हम लोग ठंड में कोई हीटर लगा सकें, लेकिन अगर हम अपने घर को कपड़ों के घर में बदल देंगे तो आराम से ठंड में भी रह सकेंगे। गर्मी में हमारा घर ज्यादा गर्म नहीं होगा और बरसात में भी ज्यादातर कपड़े पानी को सोख लेंगे। वैसे प्रियंका, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इन सब के लिए हमें काफी सारे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास इतने कपड़े नहीं है। अरे तुम सब जल्दी से मेरे साथ चलो। अब पांचों बहुएं भागते भागते उस कूड़ेदान में जाती हैं, जहां उन्होंने कतरनों से भरी बोरी को फेंका था। सभी बहुएं उस बोरी को वापस कूड़ेदान से अपने घर ले आती हैं। कपड़े का घर बनाने के लिए हमारे पास ढेर सारी कतरन हैं। हम सभी कतरनों को आपस में जोड़कर अपनी सिलाई मशीन की मदद से सियेंगे और इससे बड़े बड़े कपड़े तैयार कर लेंगे। अब पांचों जुगाड़ू बहुएं कतरन को सुई धागे और सिलाई मशीन की मदद से आपस में जोड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो लोग उस मामूली कतरनों से काफी सुंदर सुंदर बड़े से कपड़े तैयार कर लेती हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि कतरनों को मिलाकर सुंदर सा कपड़ा घर तैयार हो सकता है। मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझे अपने कपड़ों के बने हुए घर को जल्द से जल्द देखना है। पांचों जुगाड़ू बहुएं जुगाड़ करके आपस में कतरनों को सिलती हैं और साथ ही साथ घर में रखी हुई कुछ मोतियों और लेसेस को उनके ऊपर लगा देती हैं, जिसके बाद अब वो सभी मिलकर उन कपड़ों की मदद से अपने घर की दीवारों और खिड़कियों को अच्छे से ढकने लगती हैं, जिसे देख जयंती, हमारे घर की दीवार कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना, कल तक तो इन पर ठीक से पपड़ी भी नहीं थी और अब देखो। ये तो बस शुरुआत है, अभी आप आगे आगे देखती जाइए। दीवारों के साथ साथ छत पर भी पांचों बहुएं उन कतरनों से सिले हुए कपड़ों को अच्छे से लगा देती हैं, जिससे उनका टूटा हुआ घर भी ठीक हो जाता है और उनके कपड़ों के बने हुए घर की खूबसूरती को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे कपड़ों से बना हुआ घर है, कितना सुंदर घर है। जिस परिवार ने कभी अपने घर की दीवारों पर पेंट करवाने के सपने भी नहीं देखे थे, उस गरीब परिवार को इतना सुंदर कपड़ों का बना हुआ घर पर काफी ज्यादा खुशी होती है। हमारा कपड़ों का घर तो तैयार हो गया, लेकिन अब रसोई का क्या करें? एक ही कमरे में रसोई होने की वजह से जब भी खाना बनाते हैं तो पूरा घर धुएं से भर जाता है। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा जुगाड़ है, जिस तरह से हमने कपड़ों का घर बनाया है वैसे ही रसोई भी बना देते हैं। हम इस तरह कतरनों से सिला हुआ कपड़ा लगा देंगे और साथ ही इस दीवार में छेद कर चूल्हे के पास से यहाँ तक एक पाइप भी निकालेंगे, जिससे सारा धुआं घर से बाहर जाएगा और हमारे घर की तरह ही हमारे कपड़े की रसोई भी तैयार हो जाएगी। पांचों जुगाड़ू बहुएं अब कपड़ों की मदद से अपनी रसोई को भी अपने घर से अलग कर एक सुंदर रसोई बना देती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अरे साक्षी, तुमने क्या बनाया है? थोड़ी बहुत कतरन बच गई थी तो उन्हें सिलकर मैंने ये तकिए के कवर बनाए हैं। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर तो मार्केट में भी नहीं मिलते होंगे। अगर मार्केट में नहीं मिलते तो क्या हम इन्हें बनाकर बेच सकते हैं? ना, लोगों के कपड़े सिलने के बाद जो हमारे पास कतरन बचेगी ना, हम उनसे ऐसे ही तकिए के कवर, चादर और घर में सजाने के लिए छोटी छोटी चीज बनाएंगे और उन्हें बेचकर इस घर को चलाने में अपने अपने पतियों की मदद करेंगे। अब पांचों जुगाड़ू बहुएं कतरनों से चादर, तकिए, कवर जैसी चीज बनाकर मार्केट में बेचते हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिससे अब वो लोग ठीक ठाक कमाई करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने हालातों को बदलते हैं।